काफी टाइम के बाद जो है आज फिर से स्कूल्स को रीओपन किया गया, जहां गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की अगर माने तो 50% स्ट्रेंथ जो है एक दिन आएगी, 50% नेक्स्ट डे आएगी। इस तरीके की सभी प्रिकॉशंस के साथ जो कि कंपलसरी कर दी गई हैं स्कूल वालों के लिए भी, आज फिर से जो है स्कूल को रीओपन किया गया। एक प्राइवेट स्कूल के बाहर इस समय मौजूद हैं कुछ लोग, हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए थे स्कूल में, किसी को लेने आए थे? मेरी सिस्टर पढ़ती हैं यहाँ पर 12th क्लास में। आज लॉकडाउन के बाद उसकी दोबारा से स्कूल्स ओपन हुए हैं, तो आज फर्स्ट डे उसने अटेंड किया है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन, मतलब जैसे कि बच्चों अभी सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बोला जा रहा है कि कोरोना की जब थर्ड लेयर आएगी वो और ज़्यादा खतरनाक होगी, तो ऐसे में सेफ लग रहा है बच्चों को भेजना स्कूल? देखिए, अगर सबके लिए अगर है, अगर डेंजरस है तो हमें प्रिकॉशंस तो रखने पड़ेंगे, घर पर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि हालात ठीक हैं, अभी कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ इंटरेक्टिव सेशंस अगर लाइव बच्चे फेस टू फेस टीचर से ले, तो इस मौके को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ क्लासेस अगर लग जाए तो अच्छी बात है। कुछ पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी टाइम के बाद फिर से स्कूल रीओपन किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि थर्ड लेयर जो आएगी वो और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और बच्चों को ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, तो ऐसे में एज अ पेरेंट कितना सही लगा कि आपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजा है? मैम, पेरेंट्स के लिए तो बड़ी ना असमंजस की स्थिति बनी हुई है ये। एक तरफ नो डाउट बोला जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों के लिए वो बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। पूरा एक साल, पिछला साल भी पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। जैसे बच्चे भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में वो कनेक्ट नहीं कर पाते टीचर से, तो ऑफलाइन क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। अब माँ बाप के लिए दुविधा है कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, तो यही इतनी ही मेरी है कि या तो चीज़ें क्लियर की जाएँ, क्योंकि बाकी जगह पर सारी जगह भीड़ देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं देखी जा रही है। आज आप घूमने की जगह पे चले जाओ, मैं भी थोड़े दिन पहले मसूरी का कुछ देख रहा था, वो कैंपटी फॉल देख रहा था, हजारों लोग घुसे हुए थे, हजारों लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक है, ये पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। फॉर्म भी गवर्नमेंट की तरफ से वो इशू किया गया है, जिसमें पहले बच्चों को अपने गार्डियन से, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी कि वो स्कूल आ सकते हैं या नहीं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक बचने का तरीका है कि कल को बच्चा अगर पॉजिटिव हो जाता है तो सारा ब्लेम पेरेंट पे आ जाए? हाँ, एक कंसेंट लेटर तो ले ही रहे हैं वो, कि यस, कि माँ बाप अपना कंसेंट दे रहा है अपने इस कोविड को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों को भेजने के लिए। माँ बाप ने तो भेज दिया, उसके बाद स्कूल की भी बहुत जिम्मेवारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को एक गैप पे बिठाया जाए, बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाए, और जो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वो एहतियात तो स्कूल वालों को बरतने हैं, वो पेरेंट्स तो घर से बैठा के ये पूरे करवा नहीं सकते। तो मेरी स्कूल वालों से भी एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है कि यस, आपने स्कूल ओपन किए हैं, बच्चे आने शुरू हो गए हैं, स्ट्रेंथ मान रहा हूँ कम है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये एहतियात बच्चे, कई बार क्या होता है कि मेरे को जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है वो ये लगती है कि जब यारी दोस्ती हो जाती है तो उसमें एक दूसरे का खाना खाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बोतल से पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एहतियात बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि वो एक दूसरे के बोतल में पानी ना पिए और खाना इकट्ठे ना खाएं, तो सेपरेट सेपरेट खाएं। वो बिठा रहे हैं अलग है, लेकिन वो खाना भी अलग अलग खाएं। मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, आप आज फर्स्ट डे आए थे स्कूल, क्या कुछ बताना चाहोगे? सब प्रिकॉशंस वगैरह अंदर अच्छे से ली हुई थी, और कैसा रहा आपका फर्स्ट डे? आज सारी प्रिकॉशंस, हमने मास्क लगा रखे थे, हम जैसे ही एंटर हुए तो हमारे हैंड सैनिटाइज करवाए और हमारा टेम्परेचर चेक किया, और एक बेंच पे एक ही बच्चे को बिठाया गया आज, तो इस तरह से आज प्रिकॉशंस को फॉलो किया गया। तो कंसेंट लेटर भी जो पेरेंट्स से साइन कराना था, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे? पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया? पेरेंट्स ने कहा था तो अलाउ कर दिया, और उन्होंने कहा था कि पहले कंसेंट लेटर लेके आओ, फिर आपको क्लास में बिठाया जाने देगा। तो बस आज 19 स्ट्रेंथ आई थी स्टूडेंट्स की, और सबके पास कंसेंट फॉर्म्स थे। आपके पेरेंट्स ने भी? हाँ जी। कहीं डर नहीं था उनके मन में? नहीं, डर तो था, पर फिर भी स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो आपका नाम क्या है? ट्विंकल। क्या आपका नाम क्या है, और आज आपका फर्स्ट डे, काफ़ी टाइम बाद आज स्कूल आए थे, वैसे ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, कैसा लगा आज आकर, और क्या कुछ बताना चाहोगे? पेरेंट्स ने अलो किया? पेरेंट्स ने तो अलो किया। मैं श्वेता, SD मॉडल स्कूल से। पेरेंट्स ने अलो किया था, कंसेंट लेटर स्कूल वालों ने कहा साइन करवा कर दो, तो पेरेंट्स से जब साइन करवाए तो पेरेंट्स ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन रखना, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना, स्कूल वालों ने भी यही कहा, कुछ इंस्ट्रक्शन थी उन्हें फॉलो किया। अब टीचर से पढ़ने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, कितने स्टूडेंट्स आज आए थे?
क्लास में से फोर्थ पार्ट आया था, जैसे 15 स्टूडेंट थी हमारी क्लास की। अंकल जी आप किसी को लेने आए हो यहाँ पे? हाँ। किसको लेने आए हो? अपने बच्चों को, पोता पोती को लेने आए। तो कोरोना फैला हुआ है, तीसरी लेयर जब आएगी तो और ज्यादा वो बच्चों पे इफेक्ट करने वाली है, ऐसे में सुरक्षित लग रहा है बच्चों को भेजना? बेटे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर सारे बच्चों को पढ़ना तो है, एजुकेशन तो जरूरी है ना। सहमत हो? हाँ हाँ बिल्कुल सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपका नाम अंकल? अनिल गांधी। तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स हालांकि कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जरूर लग रहे हैं कि दोबारा से जो स्कूल्स हैं वो रीओपन कर दिए गए हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ और लोग भी हैं आसपास, उनसे भी कोशिश करते हैं बातचीत करने की। मैम आप यहाँ पर आए थे अपने बच्चों को लेने आए थे? हाँ जी। तो स्कूल्स दोबारा से रीओपन कर दिए गए हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? एक बार इस साइड फेस कर लेते। नहीं मैम हमारे बच्चे तो ऑनलाइन ही घर पे पढ़ाई कर लेंगे। हाँ जी। स्कूल नहीं भेजना चाहते अभी? नहीं जी। तीसरी लेयर काफी खतरनाक बताई जा रही है लेकिन फिर भी इसके मद्देनजर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कितना सही मानते हैं? फिलहाल तो मैम घर में ही जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा। ठीक है, बाकी जो है अपना वो तो कॉपी किताबें तो बच्चों की लेनी लेनी है जी, उस बिना तो काम ही नहीं चलता, बच्चे सारा दिन खेलते रहे। बाकी देखो अगर मान लो अगर स्कूल के अध्यापक कहते हैं भाई हाँ भेज दो कोई दिक्कत नहीं है तो भेजने में भी कोई बुराई नहीं है जी। अगर ऑनलाइन के कहते हैं इजाज़त देते हैं भाई हाँ ऑनलाइन पढ़ा लो कोई समस्या नहीं है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जी, ऐसा कोई नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधकों द्वारा जो भी इंतजाम किए गए हैं या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं अगर उनकी माने तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं तैयार है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या स्कूल वाले जो हैं, जो स्कूल प्रबंधक कमेटियाँ हैं, वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सारे इंतज़ाम पुख्ता कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि एक कंसेंट लेटर जो है वो भी पेरेंट्स से साइन करवाया जा रहा है कि मैं कोरोना के मद्देनज़र मैं फिर भी अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेज रहा हूँ। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि क्या आप लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कितने सेटिस्फाई हैं और कितने नहीं, क्योंकि 9 to 12 क्लास के जो स्कूल्स हैं उन्हें अभी फ़िलहाल के लिए खोला गया है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोगी सनी के साथ मैं नीरा माडा, डिप्टॉप हरियाणा, करनाल।